सो अभी हम देखेंगे कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है और उसको एक तरफ से पीआईडी से भी डिनोट किया जाता है. सो पी फॉर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. तो उसका डेफिनेशन कहता है अगर आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है तो हमारे पास जो रिंग है बेसिकली वो इंटीग्रल डोमेन दिया है. और इंटीग्रल डोमेन के बारे में क्या जानते हो उस पर वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं. इंटीग्रल डोमेन मतलब क्या कि कम्यूटेटिव रिंग होगा, उसके पास यूनिटी होगी, मोर ओवर उसके पास इट कंटेन्स नो जीरो डिवाइजर्स, उसके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं. अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन डी है, इंटीग्रल डोमेन डी पड़ा हुआ है, उसको आपको पीआईडी बोलना है. मतलब क्या, उस इंटीग्रल डोमेन के अंदर जितने भी आइडियल होंगे उसको हमें प्रिंसिपल आइडियल दिखाना पड़ेगा. अगर प्रिंसिपल आइडियल हो गया तो आप हक से उस इंटीग्रल डोमेन को बोल सकते हो कि वो होगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, दैट इज पीआईडी. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझेगा कि क्या कहना चाहता है ये एग्जांपल. एग्जांपल द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड इज अ पीआईडी. हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, जितने भी सेट होंगे मतलब जो हमारा बेसिकली जेड जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है, तो उसमें प्रूफ के अंदर जितने भी आइडियल ग्रुप होंगे उसको हमें प्रूफ करना है कि वो आइडियल ग्रुप होंगे हमारे प्रिंसिपल आइडियल ग्रुप होंगे, वो प्रूफ करना है. अगर वो प्रूफ कर दिया तो इस इंटीग्रल डोमेन जेड को हम बोल सकते हैं पी आई डी. ठीक है, तो अभी हम करते हैं तो इसका प्रूफ देखते हैं. तो लेट इसका एन, कोई भी एन मान लेते हैं, लेट एन बी अ आइडियल ऑफ जेड, लेट एन बी अ आइडियल ऑफ जेड. ठीक है, अब n क्या क्या हो सकता है, या तो कंटेंट करेगा सिंगलटन जीरो केस वन, या तो n कंटेंट करेगा, या तो ट्रेवल आइडियल ग्रुप होगा, ट्रेवल आइडियल होगा, दैट इज n इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो. और इस टाइम पे उस सिंगल जो जीरो होगा वो उसका जनरेटर होगा. अगर जीरो जनरेटर है मतलब क्या, जो n है वो बन गया हमारा प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, इस केस के लिए हमारा जो सब ग्रुप जो हमारा आइडियल है वो बन गया प्रिंसिपल आइडियल. अभी हमें दूसरे केस के लिए होल्ड करना है. मान लेते हैं कि दूसरा केस हमारा है जो कंटेंट सिंगलटन जीरो नहीं करेगा, मतलब उसके पास सिंगलटन जीरो है बट उसके अलावा भी है, मतलब एक ही एलिमेंट्स नहीं है उसके पास. इट कंटेंस एन कंटेंस एटलीस्ट वन एलिमेंट्स अदर देन जीरो. इसका मतलब होता है एन कंटेंस एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वन पॉजिटिव इंटीजर. सकते हैं कि n कंटेंट करेगा पॉजिटिव, एटलीस्ट कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा इंटीजर लेंगे. लेट b बी द लीस्ट, n हमारा एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें पड़े हुए हैं, जीरो भी है, तो हमें क्या करना है b ऐसा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है सच दैट वो सबसे छोटा होगा उस n के अंदर. लेट n बी द, लेट b बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच बिलोंग्स टू n. ठीक है, और यही भी काम करेगा जनरेटर की तरह, उस n के लिए यही भी काम करेगा जनरेटर की तरह. बस हमें ये दिखाना है अगर ये काम कर गया जनरेटर की तरह, b काम कर गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n जो है हमारा प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा. प्रिंसिपल आइडियल बन गया मतलब जितने भी इसके अंदर आइडियल ग्रुप थे z के अंदर सारे प्रिंसिपल आइडियल बन गए. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इंटीग्रल डोमेन z इज अ PID. ठीक है, तो मैं बस ये वह दिखाना है वर्कओवर होगा कि नहीं होगा, तो इसको दिखाना है. मतलब क्या, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये इसका भी सबसेट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दो सेट इक्वल होते हैं. तो यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू एन. ठीक है, ए बिलोंग्स टू एन हमने लिया, सो हमारे पास ए बिलोंग्स टू एन के लिया, तो हमारे पास ए बिलोंग्स टू एन है और बी उसके पास जनरेटर है. ठीक है, बाय, और बी भी इसके अंदर ही आएगा बिकॉज वन कंटेंट करता है. बाय डिवीजन एल्गोरिदम between a and b we can write as a is equals to bq plus r where r is equals to 0 where r is greater than equal to 0 and less than b. हम ऐसे ये बोल सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, a is equals to bq plus r दिखाना है. मतलब क्या, हमें ये हमें बताना है कि इस सेट के अंदर हमने एक क्या किया, एक n इसमें एक एलिमेंट इसमें से ले लिया, उस एलिमेंट ए को हमें क्या दिखाना है कि वो आता है बी के अंदर. बी के अंदर आता है मतलब क्या, उस पैटर्न में होना चाहिए, इस पैटर्न में होना चाहिए, मतलब सम बी इनटू सम एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम आर, दैट इज हियर इन दिस केस जेड. ठीक है, तो हमें इस पैटर्न में लिख के दिखाना है. सो इस पैटर्न में लिखना है मतलब क्या, आर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, बट वो हमें जीरो दिखाना पड़ेगा. सो आर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी क्यू. ठीक है, आर सबसे छोटा एलिमेंट हमारा जो एन के अंदर है,
सबसे छोटा एलिमेंट है b, बट हमें यहाँ क्या दिख रहा है, r एक ऐसा एलिमेंट है जो उस n के अंदर आता है, जो n के अंदर आता है जो b से भी छोटा है, तो मतलब मैं कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, तो r की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, लेस देन b नहीं हो सकती, तो r को क्या होना पड़ेगा, r को इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू, a इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, मतलब क्या, ये a इस पैटर्न में आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a बिलोंग्स टू जनरेटर ऑफ b, ठीक है, a बिलोंग्स टू जनरेटर ऑफ b, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n इज सबसेट ऑफ जनरेटर b, यहाँ से एक पार्ट मिल गया, और हमें दूसरा पार्ट प्रूफ करना है कि जनरेटर ऑफ b इज सबसेट ऑफ जनरेटर ऑफ b, सबसेटर ऑफ b, जनरेटर ऑफ b इज सबसेट ऑफ n, हमें ये दिखाना है। अब देख लीजिए n क्या है, आइडियल है, तो जनरेटर ऑफ b किस पैटर्न में दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, r इंटू b सच दैट r बिलोंग्स टू z, इस पैटर्न में दिखेगा, ठीक है, और n क्या है, आइडियल है, आइडियल है मतलब क्या, उसके अंदर की थर्ड कंडीशन होल्ड होगी, थर्ड कंडीशन कहता है कि आप एक एलिमेंट्स ले लो आइडियल में से, और जो b है ये कहाँ आ रहा है, हमने इसमें से एलिमेंट लिया, लेट b बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स कर रहा है n में, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, लेट b बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच बिलोंग्स टू n, तो b आ रहा है n के अंदर, और बाय थर्ड कंडीशन ऑफ आइडियल ग्रुप, n क्या है, आइडियल है, बाय थर्ड कंडीशन ऑफ आइडियल ग्रुप ये कंडीशन होल्ड होगी, ये कंडीशन होल्ड होगी मतलब क्या, ये पूरा टर्म कहाँ आने वाला है, ये पूरा टर्म आएगा n के अंदर, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि b इज सबसेट, जनरेटर b इज सबसेट ऑफ n, ये कंडीशन मिल गई, ये कंडीशन मिल गई, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ b, मतलब हमने जो b का चॉइस लिया है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो वर्क करेगा, वो हमारे लिए जनरेटर की तरह काम करेगा, उस n के लिए जनरेटर की तरह काम करेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n जो है अगर नॉट कंटेन करेगा सिंगलटन जीरो, वो बन गया हमारा प्रिंसिपल आइडल, प्रिंसिपल आइडल बन गया, प्रिंसिपल आइडल बन गया मतलब क्या, z इज PID।